नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2023 के आठवें मुकाबले में पंजाब किंग्स ने शानदार तरीके से जीत दर्ज करी है। गुवाहाटी के मैदान पर पंजाब किंग्स ने जिस अंदाज में इस मुकाबले को खेला, जिस तरीके से बल्लेबाजी की, उसके बाद में जिस तरीके से गेंदबाजी की, पंजाब के कप्तान शिखर धवन की तारीफ हो रही है। तो वहीं आखिरी ओवर करने वाले सैम करन को इस वक्त सबसे बड़ा हीरो माना जा रहा है, क्योंकि आखिरी ओवर में जो रन बचाने थे, जिस तरीके से सैम करन ने गेंदबाजी की, जाहिर तौर पर उसकी इस वक्त सबसे ज्यादा तारीफ हो रही है। आप लोगों को बता दें कि इस मैच में पहले टॉस जीता राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने। संजू सैमसन ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, क्योंकि इस मैदान पर ड्यू का असर होने वाला था। ड्यू की वजह से संजू सैमसन ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, लेकिन संजू सैमसन का यह फैसला उस वक्त गलत साबित हो गया जब शिखर धवन और प्रभसिमरन सिंह ने कमाल की बल्लेबाजी की। दोनों ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की। इस अंदाज बल्लेबाजी की कि शुरुआत के 10 ओवर में दोनों ने 100 रन के आसपास बना लिए थे। प्रभसिमरन सिंह ने तूफानी पारी खेली, 60 रन बनाए, और उनकी पारी के बाद फिर शिखर धवन ने भी एक तूफानी अंदाज में अर्धशतक लगाया, और इस दोनों की बल्लेबाजी के बदौलत पंजाब की टीम 197 रनों तक पहुंची। तो यहां पंजाब की टीम के 5 हीरो कौन से हैं इस जीत के, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले हीरो के तौर पर प्रभसिमरन सिंह, क्योंकि प्रभसिमरन सिंह ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की वो कमाल की थी। बड़ा स्कोर बनाने में ओपनर के रन बनाने जरूरी होते हैं, तो प्रभसिमरन सिंह सबसे पहले हीरो। दूसरे हीरो के तौर पर कप्तान शिखर धवन, जिस तरीके से उन्होंने कप्तानी की, जिस तरीके से बल्लेबाजी की, दोनों की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि बाद में ड्यू था और ड्यू में गेंदबाजों का इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन जिस तरीके से शिखर धवन ने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, वो कमाल की कप्तानी और बल्लेबाजी भी कमाल की थी। उसके बाद में तीसरे सबसे बड़े हीरो के तौर पर रहेंगे शानदार गेंदबाजी आखिरी ओवर में करने वाले सैम करन। जी हां, आखिरी में ऐसा लग रहा था कि शायद राजस्थान इस मुकाबले को जीत जाएगी, क्योंकि हेटमायर और ध्रुव जुरैल दोनों आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन सैम करन ने सदी हुई गेंदबाजी करके इस रोमांचक मुकाबले को पंजाब को जिता दिया। तो जाहिर तौर पर तीसरे हीरो रहेंगे सैम करन। चौथे हीरो के तौर पर मैं रखना चाहूंगा नाथन एलिस को। नाथन एलिस ने आज राजस्थान की कमर को तोड़कर रख दिया। 4 बड़े विकेट नाथन एलिस ने चटकाए, और कह सकते हैं कि नाथन एलिस भी इस मैच के चौथे बड़े हीरो रहेंगे, क्योंकि नाथन एलिस ने कमाल की गेंदबाजी की। कमाल की गेंदबाजी आज शुरुआत में राजस्थान के जो बल्लेबाज थे उनको धराशायी कर दिया, और सबसे बड़ा विकेट उन्होंने जॉस बटलर के लिया। जॉस बटलर को कमाल की गेंद पर उन्होंने अपने आप कैच लपक कर जॉस बटलर का विकेट लिया। तो जाहिर तौर पर नाथन एलिस चौथे हीरो के तौर पर रहेंगे। और पांचवें हीरो के तौर पर मैं रखना चाहूंगा जितेश शर्मा को, क्योंकि जितेश शर्मा ने वैसे तो कुछ नहीं, लेकिन बाद में आकर जो उन्होंने छोटी सी एक पारी खेली, उस पारी के दम पर पंजाब की टीम 200 के पास पहुंच गई। और अगर आखिर में जितेश शर्मा उस पारी को ना खेलते, तो शायद पंजाब की टीम उतने रन ना बना पाती और इस मुकाबले को शायद हार जाती। तो इसीलिए ये पंजाब की जीत के 5 हीरो हैं। जाहिर तौर पर राजस्थान के खिलाड़ियों ने भी बहुत अच्छा दम दिखाया, लेकिन संजू का एक फैसला इस हार की सबसे बड़ी वजह बना। संजू ने आर अश्विन को बटलर की जगह ओपनिंग के लिए भेज दिया, और जाहिर तौर पर इस फैसले ने राजस्थान को कहीं ना कहीं इस मैच को हरा दिया। अगर बटलर ही ओपन करने के लिए आते, तो शायद इस मैच का नक्शा कुछ और हो सकता था, जिस बात की लगातार चर्चा हो रही है। तो आपका पंजाब की इस जीत पर क्या कहना है? राजस्थान में संजू सैमसन के इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं, जो उन्होंने अश्विन को भेजा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह के अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।